मित्रों, आज मैं कुछ बातें कड़वी भी करने वाला हूं और कुछ बातें ऐसी भी करने वाला हूं जो कि शायद साधना के लिए आपका परिपेक्ष बदल दे, आपका पर्सपेक्टिव बदल दे। और ये बात करनी क्यों जरूरी है? बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में साधना को फैंटेसी समझा जाता है। क्यों, कैसे, किस प्रकार से? मैं एक बात पूछता हूं आपसे, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या साधक साधक जो साधन में लगा है, जिसको कुछ प्राप्त करना है, चाहे वो मंत्र का है, चाहे तंत्र का है, चाहे किसी परिस्थिति स्थिति का है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसे ज्वलंत होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, या फिर लेथार्जिक, या फिर परेशान, हारा हुआ होना चाहिए? साधक, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने पहले भी बात कही है, कड़वी है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि साधक जुआरी होता है, खुद को साधना में झोंक देता है। यह ना व्यापारी का काम है, ना भिखारी का काम है। साधना में जाना है, किसी भी प्रकार की साधना, कुछ भी प्राप्ति करने के लिए आपको साधना में जाना है, तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपको पूर्णतया उसकी तरफ समर्पित होना होगा। अब शिव सूत्र कहता है, उद्धमो भैरवः, आपका उद्धम ही भैरव है, स्वपदम शक्ति, है ना, आपके खुद के स्वपदम, आपके खुद के पांव ही आपकी शक्ति हैं। हम क्या कर रहे हैं, अक्सर आज के समय में जो साधना को लेके पर्सपेक्टिव चल रहा है या जो विचार दिए जा रहे हैं, वह क्या है? वह है कि मां आएगी और सब स्थितियों को अनुकूल कर देगी और सब कुछ हो जाएगा, एंड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली लाइफ हो जाएगी। परंतु मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो कठिनाइयां जो आपके जीवन में आ रही हैं, क्या वो ऊर्जा रूपी नहीं है? और क्या वो उसी ऊर्जा, उसी सृष्टि तत्व, उसी जीवन की जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा जिसे बोलते हैं, जिसे मां दुर्गा बोलते हैं, जिसे दुर्ग कहा जाता है, और दुर्ग से दुर्ग परिस्थिति को नाश करने वाली वो दुर्गा, दुर्गा दुर्गा अतिशमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्ग मत छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, है ना। तो अब हम केवल इस मंत्र का या इस पाठ का या इस किन्हीं भी अन्य मंत्रों का हम जाप करते रहें, केवल जाप करते रहें, और हम सोचें कि स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, तो कैसे होंगी? मेरा यह कहना है कि आज के समय में साधक ऊपर से साधना कर रहे हैं, अंदर से नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं अंदर से साधना? क्योंकि उनको उस दुर्गा को बाहर से ढूंढना है, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को बाहर से प्राप्त करना है। परंतु मैं उन सब से पूछता हूं, मैं आप सब से पूछता हूं, सभी मित्रों से पूछता हूं, क्या सबसे पहली ऊर्जा मेरे जीवन की नहीं है वो? तो मेरे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, क्या वो उसी का रूप नहीं है? कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। दिव्यथर्व शीर्षम में भगवती दुर्गा क्या बोलती है? मैं ही आनंद हूं, मैं ही विज्ञान हूं, मैं ही दुख हूं, मैं ही सुख हूं, मैं ही 33 कोटि देवता हूं, और मैं ही जीवन की कठिनाइयों को हल करने वाली हूं। परंतु क्या हम किसी रूप में उसकी प्रतीक्षा करते हैं? मैं अक्सर हायर डायमेंशंस की बात करता हूं, और वो जो हायर डायमेंशंस हैं, क्या वो अनस्टॉपेबल नहीं है? क्या एक साधक अनस्टॉपेबल नहीं है? क्या एक साधक कुछ समस्याओं को बीच में, जब उसके कार्यान्वित होने में, उसके अग्रसर होने में,
उसके प्रगति पथ पर जो समस्याएं, जो मुश्किलें आती हैं, क्या उस साधक के अंदर वो ज्वलंतता नहीं होनी चाहिए कि वो उस उच्चतम परिस्थिति को प्राप्त कर पाए, उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर पाए, कि वो सभी कठिनाइयों, सभी मुश्किलों का नाश कर दे। मोटिवेशनल कोट, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स भी देते हैं, बहुत सारी कहानियां प्रेरणात्मक हैं, मोटिवेशनल हैं, परंतु मैं कहता हूं सबसे बड़ी मोटिवेशन है मां दुर्गा, सबसे बड़े मोटिवेशन है भगवान शिव। यो मां पश्यति सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो ही सब जगह है। अनन्यासिन्त्यन्तो मां ये जनः परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महम्यहम्। इसका मतलब क्या है कि मैं सब जगह हूं, जो जिस काल में, जिस युग में, जिस रूप में मुझे याद करेगा मैं उसके पास होऊंगा। पर मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अक्सर साधकों को देखता हूं, उन्होंने खुद को बंधनों में बांध लिया है। साधक तो स्वतंत्र होता है, साधक तो ज्वलंत होता है, साधक तो ऊर्जावान होता है, वो किसी परिस्थिति से घबराता नहीं, उसका सामना करता है, वो डरता नहीं, वो घबराता नहीं, वो सामना करता है एक एक स्थिति का, जीवन की एक एक कठिनाई का, और उसी का रूप मानकर, उस भगवती दुर्गा का, उस ऊर्जा का, उस ऊर्जा रूपी जीवन का सानिध्य प्राप्त करता है और स्मैश कर देता है वो अपनी कठिनाइयों को। मैं कहता हूं वो साधक साधक ही नहीं, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ, चाहे उसने कितने करोड़ मंत्र जाप कर लिए, यदि वो पूरी दुनिया में एक एक कठिनाई में, जीवन की एक एक परिस्थिति में अपने इष्ट को, चाहे इष्ट कोई भी है, महाकाली है या महालक्ष्मी है या कोई दस महाविद्या का साधक है, कोई भी है, या फिर कोई सत्य को ही भगवान मानता है, यदि वो एक एक परिस्थिति में, एक एक कण कण में अपने इष्ट को, अपने विचार को विराजमान नहीं मानता, तो वो अधूरी साधना कर रहा है। मंत्र जाप करने से ऊर्जा प्राप्त होगी, परंतु स्वपदम शक्ति ही, वो शक्ति जो आपको प्राप्त होगी आप ही के चरणों से, आप ही के पैरों से होगी, आप ही के पैरों से आप चलेंगे, कोई आपकी बाजू पकड़ के नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि सबका रास्ता अपना अपना है, सबका पथ अपना अपना है, जीवन में प्रत्येक प्रकार की प्रगति, प्रत्येक प्रकार की कठिनाई, प्रत्येक प्रकार की सफलता, प्रत्येक प्रकार की असफलता, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होने और अलग अलग अस्तित्व पर निर्भर करती है। साधक आकर्षण ढूंढता है, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि बस लोग आकर्षित हो जाएं। साधक प्रयोग करने की बात करता है, किस लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि वो कुछ प्राप्त कर ले, छोटा मोटा एम? साधक के लिए तो जीवन यज्ञ है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरी बातें शायद कुछ अजीब भी लगें, मेरी बातें शायद कुछ आपको ऐसे भी लगे कि ये लीक से हटकर बात क्यों कर रहा है, क्योंकि आज के समय में यह सबसे आवश्यक चीज है कि साधक को ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि वो ऊर्जा जो मुझ में प्राप्त होगी, मुझे उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको, मुझे उस ऊर्जा में स्नान करना है। वो स्नान कैसे करना है? एक विचार ही साधना है। आप किसी भी साधना में चले जाइए, आप कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश कर लीजिए, एक विचार ही साधना है। यदि मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं इतने मंत्र जपूंगा और इसलिए जपूंगा,
अगर मैं अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता हूं तो उन मंत्रों को जपने का कोई फायदा नहीं। और त्याग तभी होता है जब आपको पहले उसका स्वाद पता हो। बिना स्वाद जाने, बिना कुछ जाने तो त्याग आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उसका ना तो आपको प्रभाव पता, ना आपको स्वाद पता, ना आपको अस्तित्व पता, क्योंकि आपका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। परंतु ऊर्जा से तो ताल्लुक है ना, वो तो आपके अंदर है ना, वो तो आपके अंदर है ना, प्राप्त है आपको। तो उस ऊर्जा को जीवन मानिए और जीवन में कठिनाइयों को अवसर मानिए, अवसर को मां दुर्गा की कृपा मानिए और कृपा को अपने जीवन का लक्ष्य मानिए। प्रत्येक कठिनाई में अपने इष्ट या अपने उस विचार को साध्य कीजिए। पथ से पथहीन मत होइए। आपको एक ही बात याद रखनी होगी कि कहीं बाहर से वो ऊर्जा आ भी जाए तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं। और अगर आपके अंदर वो ऊर्जा है और अगर आप वाकई में वो साधना में जुटे हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर जगह आपको वो ऊर्जा दिखाई देगी। साधक ज्वलंत होता है, साधक स्वतंत्र होता है, साधक बंधन में नहीं बंधता, साधक अपने लक्ष्य की तरफ चलता है। और कोई ऐसी प्राप्ति नहीं है जिससे वो भाग जाए, वह साधक है। यदि आप गृहस्थ घर में हैं, पूरा निभाइए। यदि आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्राप्ति की तरफ चलना चाहते हैं, मां दुर्गा का सानिध्य प्राप्त कीजिए, जाइए। जीवन में कुछ भी त्याग करके कुछ भी नहीं है। त्याग स्वयं आए तो उसका वरदान, और स्वयं ना आए तो समस्या, फोर्सफुली लाए तो समस्या। किसी भी मंत्र, किसी भी साधना, किसी भी तंत्र का जो एक्चुअल लॉजिक और जो रीजन बिहाइंड होता है वो है आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन। और इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तभी होती है जब आप उस ऊर्जा में स्नान कर लेते हो। मैं हमेशा कहता हूं, पहले जाप होता है, फिर ध्यान होता है, फिर स्नान होता है। और ये बात केवल जाप और साधना, मंत्र साधना या तंत्र साधना में ही इंप्लाय नहीं होती है। आप अगर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, मैं अगर इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं तो उसके पीछे एक विचार था, कहीं से वो मुझे मिला था, मैं चाहता तो उसको इग्नोर करके मैं जो वीडियोस आपको प्राप्त कर दे रहा हूं या आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं उन्हें बनाता रहता। मुझे लगा कि शायद ये बात मुझे कहनी चाहिए, शायद ये गलत है या सही है, इसके बारे में तो मैं आप पे छोड़ता हूं। पर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। शिव सूत्र कहता है, उद्धमो भैरवः, उद्धम ही भैरव है। और उद्धम क्या है? वो जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है आपके उस विचार से जो लक्ष्य की तरफ आपको अग्रसर करती है, वो ही भैरव है, वो ही शक्ति है। स्वपदम शक्ति, आपके ही चरण शक्ति हैं, आपके ही कदम उस लक्ष्य की ओर जो अग्रसर हैं, वो ही शक्ति हैं। जीवन में कठिनाइयां किसके नहीं आती, सबके आती हैं। आपके इष्ट, उनकी कथाएं पढ़े, उन्हें भी तो समस्याएं आई। और आपके जो महान साधक हुए, उन्हें भी तो समस्याएं आई। आज तक कौन व्यक्ति है जिसने समस्याओं से पार करके, कठिनाइयों को पार करके ऊंचाई प्राप्त ना की हो, प्रतिष्ठा प्राप्त ना की हो? आपका लक्ष्य उच्चता, प्रतिष्ठा या कुछ भी है, मिठाई में कुछ नहीं आता,
सिर्फ मिठाई में कुछ नहीं आता, फूलों के साथ भी कांटे होते हैं, साधना में भी 50 समस्याएं आती हैं, मानसिक से लेकर फाइनेंशियल और जीवन से संबंधित और भी। परंतु एक साधक वो बैलेंस्ड कैरेक्टर होता है जो कि सभी समस्याओं में डटकर खड़ा होता है, घबराता नहीं। है ना, जो घबराता है वो साधक नहीं, जो लड़ सकता है वो साधक है। कौन? जिसमें सभी कलाएं उस इष्ट की हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का साधक है, वही तो साधक है। जिसके अंदर प्रेम, करुणा, भय विनाश, जो भय रहित है, इनसिक्योरिटी उसमें नहीं है, एकदम सिक्योर है, जो कभी घबराता नहीं, जो किसी पथ पर चलने से पीछे नहीं हटता, जो निर्भय होकर अपने विचार, उद्गार घोषित करते हैं, वो साधक है। और प्रभु भी, वो भगवान भी, वो शक्ति दुर्गा भी उन्हीं को जीवन में वो स्थिति प्राप्त करवाती है जो उसको प्रत्येक कठिनाई में मानकर उससे प्रेम करता है और जीवन की सभी कठिनाइयों से घबराता नहीं है। तो मित्रों, मेरा कहना, अगर किसी को यह लगा हो कि मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए, तो क्षमा। मेरे ख्याल से कुछ बातें मैं अभी भी आपको कन्वे नहीं कर पाया हूं, शब्दों के कारण या किन्हीं और स्थितियों परिस्थितियों के कारण मैं कुछ बातें और कन्वे नहीं कर पाया होऊंगा। परंतु एक बात मैं कन्वे करना चाहता हूं, उठो और जीवन में प्रत्येक परिस्थिति से लड़ो, जीतो तो साधक हो। प्रत्येक स्थिति से अनुभव प्राप्त करके फिर उठो और लड़ो और जीतो।